हेलो फ्रेंड्स, इजीएस्ट गार्डनिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरा जिनिया मिनी का प्लांट है जो कि अब सूख चुका है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल पापड़ की तरह बिल्कुल आवाज़ कर रहे हैं। और अब ज़रूरत है अब इस प्लांट से सीड को निकालने की। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस प्लांट की सीड को निकालते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहते हैं कि ये जो प्लांट का फ्लावर है ये बिल्कुल गेंदे की तरह से मिलता जुलता है, लेकिन ये गेंदे का फूल नहीं है। ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये जीनिया मिनी का प्लांट था। तो फ्रेंड्स, अब हम निकालते हैं इसके सीड। सूख चुका है तो ऐसे हल्का सा करेंगे, टूट जा रहा है। दो तीन इसी तरह से फ्लावर सेलेक्ट कर लेते हैं। सूख चुके हैं तो तुरंत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ऐसे आराम से टूट जा रहे हैं। एक और ले लेते हैं फ्लावर। मैंने इसे सूखने के लिए छोड़ दिया था कि अच्छे से सूख जाएंगे तो इसमें से आसानी से बीज निकल जाएंगे। तो इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। चलिए इसको किनारे कर देते हैं। अब इन फूलों को ऐसे निकालते हैं। इसके जो बीज होंगे वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिख जाएंगे, क्योंकि इसके कलर जो होंगे बीज वो डहलिया से मिलते जुलते होंगे। डहलिया के थोड़ा सा मोटे सीड होते हैं, लेकिन इसके थोड़े से पतले होंगे। ग्रे कलर में थोड़ा सीड दिख जाएंगे इसके। और कुछ सीड मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, ये देखिए कुछ सीड। ऐसे ही सीड जो है आपको इसमें भी मिल जाएंगे, इसी प्लांट से ही निकाला था। तो चलिए और दिखाते हैं सीड। ये देखिए, ये मिल गया। ये कलर जो है ग्रे होंगे। और इसी तरीके से हम और भी निकालते हैं। ये देखिए, हमें एक और मिला। ये देखिए सीड, अगर आप पहचान गए तो इसे निकालने में दिक्कत नहीं होगा और ना ही स्टोर करने में, क्योंकि सारे बीज को लगभग एक ही जैसे हम कलेक्ट करते हैं। देखिए कितने सारे बीज जो है, अभी ये सिर्फ एक ही फूल से हमें बीज मिले हैं। अभी बाकी जो फूल हैं तीन, वो अब तो अभी बचे हुए हैं। तो जितना हो सके हम इसमें से निकाल लेते हैं ताकि नेक्स्ट सीजन में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हो। देखिए यहाँ भी मिला बहुत। अगर आपके पास एक ही फूल है तो उसमें भी बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। जैसे अगर इतना बीज हमने निकाला तो जब ये प्लांट तैयार होगा, अगर इसका सक्सेस रिजल्ट जो है 50% भी मिले तो भी ये बहुत है। हालांकि हमें इस केवल एक ही प्लांट चाहिए होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी की ज़रूरत होती है प्लांट की। तो हम एक से कोई भी प्लांट जो है एक से अधिक बार नहीं लगाते हैं। अगर गमला सही गमले में है तो एक प्लांट को केवल एक ही बार लगाते हैं। अगर उसी प्लांट को दोबारा लगाना है तो हम डिफरेंट कलर का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना निकल चुका है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आपको दिखाने के लिए। चलिए अभी और भी निकाल लेते हैं वैसे, ताकि कम से कम एक फ्लावर के जो है सीड जो है हमारे पास अवेलेबल हों। देखिए कुछ और होंगे। देखिए फ्रेंड, लगभग निकल चुके हैं। एक दो होंगे तो भी छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत है इतने। चलिए इसको भी हम इस जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिए, इस जगह इकट्ठा कर लिया हम, इतने सीड हो गए। और देखिए, देखते ही पहचान में आ जा रहे हैं कि ये सीड हैं। एक फूलों को और तोड़ के दिखाते हैं, लेकिन हम उसका कलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ दिखाएंगे कैसे।
ऐसे करके हल्का हल्का करेंगे, खुद ब खुद जो है अलग होते जाएंगे, क्योंकि ये फूल जो है पूरी तरीके से सूख चुके हैं। फ्रेंड्स अभी दिखा तो नहीं, लेकिन अगर इसमें जो है नहीं बने होंगे तो किसी और में हम निकाल सकते हैं, किसी और फूल से। फ्रेंड्स दिख तो नहीं रहा है, वैसे हम दूसरा फूल जो है ऐसे तोड़ते हैं, हालांकि उसमें भी और ध्यान से ढूंढें तो और भी मिलेगा उसमें ज़रूर। ये देखिए फ्रेंड्स मिल गया, ये मिला। इसी तरह करके हम जो है सारे के सारे सीड जो है निकाल लेंगे। तो इतना जो है इसको भी यहाँ रख लेते हैं, अब इतना सीड हमारे पास पर्याप्त है। तो अब क्या करेंगे, इस सीड को छाए में सुखा लेंगे 3 दिन 4 दिन, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है आप ऐसे कागज़ में फोल्ड कर दीजिए और इसे लगभग 15 दिन 20 दिन जब भी आपको टाइम मिले आप इसको खोल करके इसमें राख मिला दीजिए। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि ऐसे बीज आपने कलेक्ट किया, सबसे बेस्ट जो तरीका है ऐसे बीज कलेक्ट करने के बाद आप इसमें राख मिला दीजिए। फंगिसाइड अलग से मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास राख है तो आप राख मिलाइए, वो सबसे बेस्ट है। गार्डनिंग पे हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, जो बेकार चीज़ें हैं उन्हीं बेकार चीज़ों को हम अपने गार्डनिंग में यूज करें तो सबसे बेहतर रहेगा। ये देखिए ये राख है, हमने शीशी में रखा हुआ है, जो हमारे गार्डन से जो लकड़ियाँ निकलती हैं उनको जलाने के बाद हम इसे अच्छे से सुखा कर स्टोर कर लिए हैं। थोड़े से एक फुट की जरूरत पड़ेगा इसमें, इतना पर्याप्त है। इसको ऐसे हल्का हल्का मिला देंगे। अब क्या करेंगे, इसको जो है ऐसे फोल्ड कर देंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद इसको इधर से मोड़े, अब इसको इधर से मोड़े और इसको इसमें डाल देंगे ताकि जो है वो बीज जो है ना गिरे। तो फ्रेंड्स बीज तो तैयार हो गया, और इसके ऊपर क्या करेंगे, नाम लिख देंगे, इसका नाम है जीनिया मिनी। एक हाथ से चलने में दिक्कत हो रहा है, जीनिया मिनी, तो इसका मैंने नाम लिख दिया है जीनिया मिनी। अब क्या करेंगे, इसको हम इस पैकेट को हम जहां बीज स्टोर करते हैं सारे वहीं पे इसे रख देंगे। फ्रेंड्स हम अपने सारे बीज को हम इसी बॉक्स में रखते हैं, और इस बॉक्स को हमने बंद नहीं किया है क्योंकि अभी इस बीज में से मॉइस्चर अभी निकलेगा, तो उसी तरह इस बीज को भी हम इसमें रख लेते हैं लेकिन बॉक्स को बंद नहीं करेंगे। देखिए ढक्कन जो है नीचे लगा हुआ है और इसके ऊपर रख देंगे। अब इसको लगभग 1.5 महीना 2 महीना मतलब बारिश शुरू होने से पहले हम इसके ढक्कन को बंद कर लेंगे। इसमें रखने से यही फ़ायदा होगा, ये जो कागज़ है कागज़ पूरी तरीके से सील नहीं होता है, तो जो बीज में नमी होगी वो धीरे धीरे करके वो कागज़ एग्जॉर्ब करेगा। कागज़ एग्जॉर्ब करने के बाद से फिर ये जो कागज़ की नमी होगी वो बाहर निकल जाएगी। अभी गर्मी का महीना चल रहा है, इस वजह से अभी इसमें से गर्मी जो है जो भी नमी है वो बाहर निकल जाएगी, बीज की नमी कागज़ में आएगी, कागज़ की नमी बाहर निकल जाएगी और ये बीज है पूरी तरीके से सूख जाएंगे, बिना आपको किसी तरह की का दिक्कत भी नहीं होगा आपको। तो फ्रेंड्स ये अब ये रेडी है, अब हम इसे रख देते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा बीज स्टोर करने का जो आइडिया है आपको कैसा लगा, अगर आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब
जरूर करें। बाय बाय।